नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। शनिवार को छात्र लोजपा के जिला उपाध्यक्ष प्रतीक रॉय के निजी निवास पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अररिया का एक बैठक जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पोद्दार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कोर कमेटी के सदस्यों के समर्थन से मेन विंग की कमेटी को भंग कर फिर से कमेटी का गठन शुरू किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्लूरल्स पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी श्री अमित आनंद ने लोजपा रामविलास का दामन थामा और सर्वसम्मति से उन्हें प्रधान महासचिव नियुक्त किया गया एवं श्री सुमित कुमार श्रीवास्तव को नगर अध्यक्ष तथा राजेश कुमार को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से छात्र लोजपा जिला अध्यक्ष मनीष राज सूर्य भारती, युवा अध्यक्ष मोहम्मद मुकारिब, युवा प्रवक्ता मोहम्मद आदिल, SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश्वर पासवान एवं कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के दिशा निर्देश पर लगातार सभी जिला में संगठन को मजबूत करने के दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हम लोग अररिया जिला में एक कोर कमेटी का गठन किए हैं। 6 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें युवा के जिला अध्यक्ष मुकारिब भाई, छात्र के जिला अध्यक्ष मनीष भाई, छात्र के जिला उपाध्यक्ष प्रतीक जी और प्रदेश उपाध्यक्ष SC प्रकोष्ठ के हमारे महेश्वर जी हैं और आज नवनियुक्त प्रदेश जिला प्रधान महासचिव अमित जी। 6 सदस्यीय कमेटी का आज गठन किया गया है। दूसरा, जिला में कुछ लोग, कुछ पदाधिकारी ऐसे भी हैं जो पदधारक तो हैं लेकिन पार्टी के लिए ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको दोबारा मौका देने के लिए हम उनको डायरेक्टली पार्टी से निष्कासित ना करते हुए आज जो जिला के अध्यक्ष के अलावा जो मेन विंग का कमेटी है उसको भंग कर रहे हैं और पुनः प्रदेश जिला प्रधान महासचिव को यह भार दे रहे हैं कि जो लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको मौका दिया जाए और जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनको दूसरे पद पर हम लोग मौका देंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहा और आज यहाँ बैठक में हम लोग चुनाव किए हैं प्रधान महासचिव का अमित जी का, जिला उपाध्यक्ष राजेश जी का और नगर अध्यक्ष सुमित जी का। उम्मीद करते हैं कि यह जिला के संगठन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश के अनुसार सभी जिला में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए जो निष्क्रिय सदस्य हैं उनको हम मौका दोबारा नहीं दे रहे हैं और नए सदस्यों को जो है हम सम्मिलित कर रहे हैं ताकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है यह सही दिशा में और पार्टी को मजबूती करने की दिशा में काम कर सके। अब अररिया के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अररिया में अब आ गए हैं दक्षिण भारत से कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन डॉक्टर आबिद। इन्होंने आंध्र प्रदेश के GSL मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद से MD किया, फिर विशाखापट्टनम आंध्रा मेडिकल कॉलेज से MSI किया। इनको अपोलो हॉस्पिटल व हिंदूराव हॉस्पिटल नई दिल्ली में काम करने का भी अनुभव है, तो आज ही संपर्क करें। क्लिनिक का पता है हॉस्पिटल रोड, नाज गैलेक्सी मॉल के बगल में, गैयारी कॉम्प्लेक्स, अररिया। मोबाइल नंबर 8885692498। दूसरा नंबर है 8919439621।